हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइनिंग वाली कुर्ती। ये हमारी कुर्ती की लाइनिंग है और ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है। तो हम कुर्ती कट करेंगे लाइनिंग वाली और स्टिचिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग कट करनी है, उसके बाद में हमें कुर्ती का कपड़ा कट करना है। ये हमने लाइनिंग को 4 लेयर में रख लिया है, देखिए इस तरीके से अपने मेजरमेंट के हिसाब से हमने इसे कट कर लिया है। जितनी आप चौड़ाई लेना चाहते हैं उस हिसाब से कट कर लें। हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसे कट कर लिया है। अब सबसे पहले देखिए, हमें ऊपर से अपना तीरा नापना है। तो तीरा है हमारा 12 इंच, तो उसका हम लेंगे 6 इंच, यानी आधा लेते हैं। और यहाँ से इसके आर्म होल्स लेंगे, वो भी हम 6 इंच लेंगे। जितना हम ऊपर से तीरा लेते हैं उस हिसाब से ही हमें आर्म होल्स लेने होते हैं। इस तरीके से। और अब इसके बाद में हम अपना गला लेंगे, तो ऊपर से गला नापेंगे, हम रखेंगे 2.5 इंच। और जो नीचे की तरफ गहराई रखेंगे वो 6.5 इंच लेंगे। 6 इंच हमारा यानी 6 इंच तैयार रहेगा। और नीचे से भी इसे हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। और इसमें हमें देखिए यहाँ से 1 इंच पर गोलाई देनी है, इस तरीके से। अब आर्म होल्स की गोलाई करेंगे, तो एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा 1.5 इंच पर है, और 1.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ से हमारा ये 6 है, तो इसका आधा लेंगे यानी 3 इंच। और इसको इस तरीके से ये हमारी बैक वाला आर्म होल्स है। और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की साइड लेंगे फ्रंट को, और इस तरीके से मिला देंगे। और देखिए यहाँ से अब हम अपनी ब्रेस्ट का नाप लेंगे, जो है हमारी 33 इंच। तो 33 का 4th भाग आएगा 1/4। तो यहाँ पर हमारी 1/4 पर होगी फिटिंग। और इसमें हम कपड़ा लेंगे 2 इंच लूजिंग के लिए, और लाइनिंग वाला है तो इसमें हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, तो इसलिए हमने इसे 11 इंच ले लिया है यहाँ से। और अब यहाँ से हम इसे जितनी आप स्लिट खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। ये हम 13.5 इंच लेंगे, और यहाँ से 6 इंच पर एक मार्क करेंगे जहाँ पर हम अपनी कमर नापेंगे। तो कमर है हमारी 28, तो 28 का 4th भाग आएगा 7, यानी 7 इंच। एक मार्क हम 7 इंच यहाँ पर हमारी फिटिंग होगी। और 7 में हम 2 इंच कपड़ा लूजिंग के लिए लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 9 इंच इस तरीके से। और इस निशान को देखिए, इस निशान से इस तरीके से तिरछा करके मिलाएंगे, और इस निशान को इस तरीके से। कमर भी हमारी 33 इंच ही है। जितना हमारा नाप यहाँ से है इतना ही हमारा यहाँ से है। तो यहाँ पर हमें फिटिंग आएगी हमारी यहाँ से 1/4, और 1/4 पर ही हमारी यहाँ से फिटिंग आएगी इस तरीके से। यहाँ से हमारी ये फिटिंग होगी, देखिए इस तरीके से ये हमारी फिटिंग आएगी। ये हमारी फिटिंग का मार्क है। और 1/2 इंच आर्म होल की तरफ से डाउन करेंगे, और गले की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग है। और नीचे से इसकी जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी लेंथ रखें। इसकी लेंथ तैयार रखेंगे हम 36 इंच। तो इस लाइनिंग को हम रखेंगे 38 इंच। वैसे हमारी अर्ज में इतनी ही थी, अगर आपकी ज़्यादा है तो उसे कट कर लें। और जो यहाँ से स्लिट खुली रखेंगे वो हमारे 11 इंच कपड़ा है। ये हमने अपने मेजरमेंट के हिसाब से पहले कपड़े को 4 लेयर में कर लिया था कट। ये नीचे से एक्स्ट्रा है, इसको कट करेंगे। अब सबसे पहले हम बाहर की कटिंग करेंगे। अब इसे यहाँ से हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड से कटिंग करेंगे।
और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, यहाँ तक हमारी स्लिप फोल्ड होगी उसके लिए है। अब एक पीस इसका निकाल देंगे, देखिए बैक वाले पीस को हमने निकाल लिया है, ये हमारा फ्रंट पीस है और फ्रंट पीस की ये जो हमने आर्म होल्स की साइड से ड्राफ्टिंग की है इसको भी कट कर लेंगे और इसका गला भी कट करेंगे। इस तरीके से ये हमारी कुर्ती की लाइनिंग कट हो चुकी है, इसमें बैक गला कट करेंगे। ऊपर से तो हम ये 2.5 इंच रखेंगे और नीचे की तरफ जो गहराई लेंगे वो हम 8.5 इंच लेंगे। तैयार हमारा 8 इंच का होगा और यहाँ से भी हम इसे 2.5 लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे और इसमें भी हम 1 इंच पर देखिए यहाँ पर गोलाई करेंगे इस तरीके से और इसे कट करेंगे यहाँ से। ये हमारा बैक वाला पीस है। अब हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है, कुर्ती की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले देखिए हमने कुर्ती के कपड़े को रखा है और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पीस रखेंगे जो लाइनिंग का है और कपड़ा हमने कुर्ती का सीधा रखा है इस तरीके से, ये बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये इस तरीके से कपड़े को रख के पूरे को पिन अप कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए इस पीस की हमने कटिंग कर ली इसी तरीके से पिन अप करके और गले को भी इसी तरीके से कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस कट हो चुका है, अब इसका बैक पीस कट करेंगे। अब ये हमारा बैक वाला पीस है, कपड़े को हमने 2 लेयर में रखा है और उसके ऊपर इस बैक वाले पीस को रख लिया है। अब इसी तरीके से इसको हमें कट करना है। इसकी कटिंग हमें सेम ऐसे ही करनी है। अब इसकी कटिंग भी हमने ऐसे ही कर ली है, ये हमारा बैक वाला पीस कट हो चुका है। देखिए इसको भी उसी की तरह रख के पिन अप कर लेंगे और जैसे हम फ्रंट पीस को तैयार करेंगे उसी तरीके से बैक पीस को भी तैयार करेंगे। अब ये इसका बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमें अपनी बाजू निकालनी है। इसके लिए एक बार हमने इसको 2 लेयर में कर लिया है इस तरीके से और एक बार फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से नाप लेंगे, हमें ये 8 इंच कपड़ा चाहिए क्योंकि हमने 6 इंच अपने आर्म होल्स लिए हैं तो उससे हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे बस इसका। ये देखिए यहाँ से ये हमने 8 इंच कपड़ा ले लिया है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और बाजू की आप जितनी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। ये हम फ्रिल वाली और कोल्ड स्लीव्स में बनाएंगे, इसको नीचे से स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने 8 इंच कपड़ा लिया है और खुले की साइड से हमें ये 2.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे, इसमें हम फ्रिल लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमने जो लेंथ ली है वो हमारी 10 इंच तैयार रहेगी, 11 इंच ली है और यहाँ से जितनी आप बाजू की फिटिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। ये हम 4.5 इंच हमारी बाजू की फिटिंग है तो हम यहाँ से 5 इंच कपड़ा लेंगे इस तरीके से और इस निशान को हमें इस तरीके से इसमें मिलाना है और यहाँ से हमें इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है और 1/2 इंच की गहराई और दे लेंगे जो हमारा फ्रंट पीस रहेगा उसकी तरफ। ये देखिए यहाँ पर और हम इसमें जो कोल्ड स्लीव्स बनाने वाले हैं उसके लिए देखिए हम एक मार्क करेंगे तो हमारा मार्क यहाँ पर हमारा 2 इंच पर होगा, ऊपर की तरफ हमारा 2 इंच पर है और नीचे की तरफ हमारा 1.5 इंच है। इस तरीके से इसका बॉक्स बनाएंगे और इसमें गोल राउंड शेप देंगे। अब देखिए इसको यहाँ से कट करेंगे इसी तरीके से,
यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। और अब देखिए इसे यहाँ से कट करेंगे हम। ये देखिए इसे अब इसे खोलेंगे और ये जो हमने हाफ इंच पर कर दिया है यहाँ से इसे भी कट करेंगे इस तरीके से। और अब इसके लिए फ्रिल कट करेंगे। अब देखिए कपड़े को एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड किया है और फिर इस तरीके से, और फिर से हमें ये कपड़ा यहाँ से अलग कर लेंगे पहले। देखिए और एक बार फिर से यहाँ से इसे इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अब एक बार देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, समझ नहीं आएगा फिर कमेंट करके पूछेंगे, तो इस वजह से हम अभी बता रहे हैं। ये हमारा कपड़ा है, जितना भी आप कपड़ा फ्रिल के लिए लेना चाहें उस तरीके से लें। फिर इसे एक बार फोल्ड किया है हमने और फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड किया है और एक बार और फोल्ड कर लिया है। ये हमारा एक लेयर कपड़ा हो चुका है। अब इसे यहाँ से नाप लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा खुले की साइड से है 6.5 इंच, यानी 7 इंच ही आ रहा है, थोड़ा सा ही कम है बस। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी 6.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इधर से भी इस तरीके से इसमें सेप देंगे। और ऊपर से सिर्फ हम 1 इंच लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 इंच लेना है हमें, क्योंकि जो हमारी आर्म हाउस की फिटिंग है उसका हमें 8वां भाग लेना है। तो हमारी फिटिंग 4.5-4 इंच है, तो हम 1 इंच लेंगे, 1/2 इंच के बराबर, तो ये कर्व में भी बढ़ जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले 1 इंच इसे कट कर देंगे और यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। ये देखिए दोनों बाजू के लिए हमारी फ्रिल कट चुकी है। अब ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है, इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। इसको सिलना हम दूसरे पार्ट में बताएंगे, ये हम पहला पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट में वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इसका दूसरा जो पार्ट डालेंगे उसमें हम इसकी स्टिचिंग डालेंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है। अगर आपको कटिंग करने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।